अनदर 1000 किलोमीटर्स, लाहौर से निकले हुए 3000 किलोमीटर पूरे। तुसी जरा हर 5 मिनट बाद कहने ना ब्रेक लानी है, हुण तुसी कहना जरा। कैंप से निकलना बहुत ही एक मुश्किल काम है, मैं फंस जाता हूँ। मैं ऐसा बंदा हूँ गौरसी साहब के एक दफ़ा मैं सो जाऊँ ना तो मुझे कांटे भी चुभते रहे, मैं उठता नहीं हूँ। आज की रात मेरी ज़िंदगी की एक मुश्किल तरीन रात थी, वो मैं सारी डिटेल आपको बताता हूँ। क्यों खैर, अस्सलाम वालेकुम शब बैक गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई आरएचएस एकदम शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। टाइम हो चुका है जी 6 और सुबह के 6 बजे हुए हैं। गौरसी साहब ज़रा खोल दिया जाए इसको, जिस व्यू के लिए हमने ये रात गुजारी है। 3, 2, 1 यार खूबसूरत, सामने समंदर और ये हमारा कैंप। भाई ये रात मुश्किल इसलिए थी कि मैंने पहली दफ़ा कैंपिंग की है। आपने अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि हम लोग रात कैंप में आके ओडमाडा के अंदर स्टे कर रहे हैं, day 9 है। और मुझे मतलब कैंपिंग इसलिए अजीब लगी कि इनके पास ना पूरे इंतज़ाम नहीं इन्होंने दिए हुए। स्लीपिंग बैग जो है वो भी वो फोमी टाइप नहीं है। पूरी रात ऐसे लगा कि वो इधर इधर ये कुछ हो रहा है, वो इधर कुछ हो रहा है, सख्त ज़मीन के ऊपर। मतलब मैं दोबारा आसानी से उठता नहीं हूँ। रात को तकरीबन 75 से 80 दफ़ा मेरी आँख खुली और ये जनाब सो रहे हैं, फुल सो रहे हैं। मैं कि यार ये कितना चिल सो रहा है, रात ठंड लग रही है, सर्दी लग रही है, कोई इंतज़ाम नहीं। बड़ी मुश्किल रात थी, मजाक के अलावा बता रहा हूँ। खैर अल्लाह अल्लाह करके मैं सोच रहा था कि या अल्लाह रात को मतलब वो देखो ग्रीन कितना बना। रात को आँख खुलती थी मैं कहता था यार अभी आधा घंटे गुजरा है, सुबह 6 कब बजेंगे। अब शुक्र है वो सुबह हो गई है, उठ गए हैं, किसी भी तरह ये रात गुजर गई। लेकिन व्यू जो है वो बहुत कमाल है यार। कैंप से निकलना बहुत ही एक मुश्किल काम है, मैं फंस जाता हूँ। ओए होए, लोगों ने कितना गंद डाला हुआ है यार। ये कल यहाँ पे ट्रिप आया हुआ था और पूरी रात ये लोग सोए नहीं है, पूरी रात लिटरली। मतलब रात को ऐसा लगता था कि वो शोर और ये वो, मैं कहा सुबह होगी सुबह होगी, और देखता था बाहर वैसी रात और वो पार्टी, गाने, प्रोजेक्टर, बस ही चल पार्टी कर रहे थे। तो यार बेसिकली जो ये वाला बीच है और जो ग्वादर वहाँ की बीचेज़ हैं, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसका पानी आपको ऐसे ब्लू नज़र आता है, पानी इसका भी वैसे ही है, साफ़ मज़ेदार है, लेकिन यहाँ पे गंद बहुत डाला हुआ है। ये बहुत लंबा बीच है, वो वहाँ से शुरू होता है और एंड तक जो है ये बीच है पूरा, लेकिन ये जो गंद डाल गया ना, दिल कर रहा है छितर मारा है इन्होंने लाल। आप हमने सोचा शिकरे को भी कैंपिंग थोड़ी सी इंजॉय करवा दें, और अभी अंदर जो है वो लैपटॉप लगा हुआ है, बड़ी स्लो स्पीड के ऊपर वीडियो अपलोड हो रही है। और यहाँ पे हमारा नाश्ता आ चुका है। नाश्ते में जी हमारे पास चाय, चने, पराठे और ये 3 कप चाय। देख के आपने परेशान नहीं होना, हम 2 ही लोग हैं, 1.5 कप पियेंगे भाई। माय फ्रेंड खाना खाएगा है, खाना खाएगा, ठहर जाओ, ये लो खाओ, ओए लड़ना नहीं है, ये लो यार। ये जो ब्लैक वाला ना, ये बड़ा बेगैरत है, ये उसको खाना नहीं खाने दे रहा, सारा खुद ले जाता। वो देखो वो देखो देखो, ओए मेरा सबर का हम लोग निकल रहे हैं बुलान सफारी से। यार ये अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है तो हो सकता है ये अच्छी जगह बने, लेकिन अभी जो कैंप वाला हिसाब था वो तो बहुत ही बैड सीन था भाई। कैंप के नीचे सुराख हुए हुए थे, उसके अंदर से रेत सारी अंदर आती थी और बहुत ही अनकंफर्टेबल सा था। इन्होंने कोई वो नहीं दिए हुए थे स्लीपिंग बैग वगैरह। यहाँ से लेफ्ट निकलना है अभी? हाँ लेफ्ट, लेफ्ट सिर्फ हम लोग पेट्रोल डलवाने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद रास्ता हमारा यही है। आज हम लोग जाएंगे कराची। तो अगर तो आप लोग करना चाहो तो ये अपना या तो कैंप लेके आओ यार, अपना स्लीपिंग बैग हो, बंदे के पास साफ़ सुथरा सामान हो। कैंप भी फटा हुआ था, सारी रेत अंदर आ रही थी पूरी रात। और एक और जगह है यहाँ पे जहाँ हम अभी पेट्रोल डलवाने जा रहे हैं, उसका नाम है हफ तलार। उन्होंने वो सामने बीच पे अपने हट्स बनाए हुए हैं बड़े प्यारे। अली साहब हमारे यहाँ पे कितने चार्जेस हैं इसके हुए हैं, टोटल बिल क्या बना है हमारा कैंप का? 3000 उन लोगों ने सिर्फ कैंप का लिया। अच्छा, और 2100 कुछ रुपए खाने के हैं, उसमें रात का डिनर
का ब्रेक। मतलब हमने इतनी फजूल से कैंप के लिए 51 या 5200 दिए हैं। यार कमाल है यार। खैर हमें व्यू चाहिए था, वो मिल गया। बाकी ये है हफ तलार, यहाँ पे वो अंदर आपको नज़र आ रहा हो, इन्होंने बहुत खूबसूरत से हट्स बनाए हुए बीच पे। लो जी हमारे ट्रिप का आखिरी ईरानी पेट्रोल। मेरा पेट्रोल डला है जी 13 लीटर्स, और अभी यहाँ से हमारा सफ़र है 380 किलोमीटर्स या 385 किलोमीटर्स कराची यहाँ से वापस। 10:20 हो चुके हैं साईं, 150 किलोमीटर से पहले ब्रेक नहीं लेना। तुसी जरा हर 5 मिनट बाद कहने ना ब्रेक लानी है, हूँ तुसी कहना जरा। अच्छा सही। हाँ, और क्या और क्या, कैसे पानी ले लें बोए। हाइड्रेशन बैग्स फुल किए, ORS डाला है क्योंकि गर्मी है, रात को इंतहा से ज़्यादा ठंड लग रही थी कैंप के अंदर, और अब जो है वो गर्मी ये इस तरह से चल रहा है। और माड़ा कैडेट कॉलेज, मेरा स्टे यहाँ पे हुआ हुआ था ऑलरेडी गवादर चलने से पहले, क्योंकि हर चीज़ प्लान होती है, तो वो यहाँ पे आके फिर मैंने सोचा कि नहीं कैंपिंग का पंगा लेना चाहिए। कैडेट कॉलेज वाली ऑप्शन बहुत अच्छी थी, लेकिन जो समंदर के नज़ारे, आहा हा हा। Welcome to the Hingol National Park, the treasure of nature, history and culture. Limit starts. और अब हमारा मज़ेदार सफ़र स्टार्ट होने वाला है। खूबसूरत रास्ते, मतलब खूबसूरत इस तरह, ये जो बलूचिस्तान की खूबसूरती है ना, ये GB की तरह वो खूबसूरती नहीं है जिसकी वीडियो बना के आप पीछे गाना लगाओ आसमां के ऊपर एक जहाँ हो रहे हैं। ये ज़रा हार्ड कोर ब्यूटी है, ऐसे ज़रा सूफियाना सी, या थोड़ा आपको एक जोन में ले जाने वाली, आप समझ नहीं पाते हो कि कोई और प्लेनेट है, इस तरह लगता है। तो ये सीन है भाई, अब शुरू हो गया है मज़ेदार सफ़र हिंगोल नेशनल पार्क का। पाकिस्तान बेटा दुनिया की सोच से भी जो है ना वो एक अलग चीज़ है। ऐसे ऐसे सीन हर सूबे के अंदर, एक डिफरेंट कल्चर, एक डिफरेंट लैंडस्केप्स, कितना अलग है सब कुछ। ये वाला पहाड़ चेक करो बीच में, जिस तरह वो टॉम एंड जेरी में उसकी चीज नहीं दिखाते थे। ये वैसे है। लग रही है। एग्जैक्टली। इश्क की साजिश है, इश्क की बाजियां हारा गोल्डन बीच पहुंच चुके हैं हम लोग। और ओए यार ये बीच है, यहाँ पे कैंपिंग हो तो क्या बात है यार। मैंने आप लोगों को बोला था ना कि बलूचिस्तान इज़ ऑल इन वन, डेजर्ट, ग्रीनरी, माउंटेन्स, बीचेस, समंदर, सब कुछ इसके अंदर है। अब ये देखो ये बीच में कैसे बिल्कुल रेगिस्तान है ये, और गोल्डन बीच जो है ये है सारा, आपको फील होता है कि रेगिस्तान के किनारे पर समंदर बना हुआ जाना शूकदा। देखो तू, ओह यस, काफी सारे क्रैब्स हैं, दो नहीं है, भागे जा रहे हैं। क्रैब्स कैसे चलते हैं? यहाँ पे कोई 1000 क्रैब्स फिर रहे हैं। अभी हम आए हैं तो वो भाग के पानी के अंदर गए हैं, वहाँ आगे इस टाइम अभी बहुत ज्यादा हैं, वो सारे फिर रहे हैं उस जगह पे। यार ये गोल्डन बीच, इतना खूबसूरत ये बीच है, मतलब ये पीछे आपको एक पूरा सीन नजर आ रहा होगा, सामने ऐसे पहाड़ नजर आते हैं और उसके अंदर हिंगोल नेशनल पार्क है। ये मतलब जो हिंगोल नेशनल पार्क है ये एक अजूबा है पाकिस्तान के अंदर, हम इसको कह सकते हैं। इसके अंदर इतनी अलग अलग चीज़ें आपको नज़र आती हैं। अब मुझे केक ऑफ़र कर रहे हो, मुंह में मेरे बबल है, केक को तो मैं छोड़ नहीं सकता, यहाँ पे गंदगी भी नहीं कर सकता, बबल को निकल इनक्रेडिबल होती है। निकल लिया मैंने बबल को, अब ये सारी पूरा दिन ऐसे लगेगा यहाँ पे ही बैठी हुई है।
इसको तो नहीं ना छोड़ना। ये कपल सुजुकी GS150 पे ट्रैवल कर रहे हैं, गवादर टू कराची जा रहे होंगे आई थिंक। तो कमाल है यार, बहुत से लोगों के लिए ये चीज़ अनकंफर्टेबल होगी, लेकिन इफ़ इट मेक्स देम हैप्पी तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं है कि अपने मतलब दोनों मियां और बीवी इसको एंजॉय कर रहे हैं। मतलब जिस तरह भी है आपको एंजॉय करना चाहिए, अगर आप जो चीज़ करना चाहते हो वो होनी चाहिए। ऐसे ही है गौरजी साहब? जी जी, यही मजा है ना लाइफ का, यही मजा है लाइफ का। क्या करूं, बैठ के लड़ते रहना है, मेरी रोटी ठंडी है गरम है। यार वो मेरी कश्मीर वाली जो लास्ट वीडियो थी ना, उसमें वो थोड़ा सा मैंने बोला था कि यार आपको निकलना चाहिए सब कुछ ये वो, तो उसके कोई 3 दिन बाद मुझे एक खातून का ईमेल आया कि आपकी उस वीडियो से इंस्पायर होकर मेरे हस्बैंड ने एक रोड ट्रिप प्लान किया है और उसमें वो मुझे छोड़ के जा रहे हैं। मैं घर पे रहूँगी, आप लोगों को ख़राब कर रहे हैं। कहती है अगली वीडियो में बोलो कि अपनी बीवी को भी साथ लेके जाए, फिर ठीक है। ये वीडियो हो गई उसके लिए। ये वीडियो अब उनके लिए कि भाई मैंने उसमें क्लियरली बोला था, मैंने ये नहीं बोला कि सोलो निकल जाओ, मैंने उसमें बोला है कि आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी, आप उनके साथ निकलो, आप बैचलर हो तो आप अकेले निकलो, दोस्तों के साथ निकलो निकलो। ये नहीं कहा था कि बीवी को 3 महीने के लिए घर छोड़ के रोड ट्रिप प्लान कर लो। हम लोगों ने सोचा रुक के खाना शाना खा लें, क्योंकि इससे आगे कुछ आना नहीं। ये कुंड मलीर है ना, कुंड मलीर पहुंचे में हम लोग। इसके बाद कोई मेजर जो है वो रेस्टोरेंट या कोई ढाबा शाबा कुछ नहीं आता, सिर्फ चाय पी सकते हैं कहीं भी रुक के, वो वाला सीन होता है। भाई खाने में क्या क्या है? खाने में चिकन पीस है, चिकन कौरमा है, चिकन कढ़ाई है, दाल है, सब्जी है, बिरयानी है, मछली है और नमकीन रोश है। क्या बात है यार, मैं तो नमकीन रोश खा रहा हूँ। अच्छा है नमकीन रोश? एक दाल, हाँ एक दाल एक नमकीन रोश, ठीक है। कमाल हो गई साई, रोश मिल गया, बड़े दिनों से तरस रहे थे। हम लोग इस टाइम बैठे हैं कुंड मलीर में। कुंड मलीर यार, जब हम लोग जा रहे थे तो वो वीक डेज थे, तब कुंड मलीर बीच और ये सब ऐसे वीरान पड़ा हुआ था। क्या हालात थे तब? हमें लग रहा था यार कोई बंदा ही नहीं है, और आज ये कुंड मलीर का पूरा बीच ऐसे हैवी फुल भरा हुआ है। रास्ते में भी हमें ट्रिप की जो है वो बसेज नज़र आ रही हैं, वैन्स और अन्य वाले लोग आए हैं कराची से। क्या बोल रहे हो भैया? रोज़ खत्म हो गया यार, अब ये बात है करने वाली, कसम से रोज़ खत्म हो गया। हाँ, मैं 10 दिन से रोज़ का इंतज़ार कर रहा था तुम्हारा नसीब से। रोज़ की जगह चिकन पीस है, चिकन कढ़ाई है, चिकन कोरमा है, मछली है। मैं हल्का सा गोश्त खोरूं। चिकन मेरी चिकन कढ़ाई ले आओ। चिकन कढ़ाई रोज तो हमें नसीब नहीं हुआ, लेकिन इंतहाई मज़ेदार चना दाल है और साथ में चिकन कोरमा। कोरमा भी ट्राई नहीं किया मैंने, चना दाल बहुत मज़े की। यहाँ कोल्ड ड्रिंक थोड़ा गर्म है। यार मर्जी है यार। ओ ठीक है यार, अच्छा मिजाक करना, गुड। ठंडी कोल्ड ड्रिंक लाया भैया, गर्म है। टाइम हो चुका है 2:25, मतलब 1:35। हम लोग पहुंच चुके हैं कराची। कराची ओए, कितना ऊपर देखना है इस बिल्डिंग को देखने के लिए। उफ यार, होटल पहुंच के नहा के जो सुकून आया मैं आपको बता ही नहीं सकता। मतलब सुबह कैंपस से हम जब उठे थे उसके बाद मुंह तक नहीं, आपने मुंह धोया था? धो लिया था? मैं ही अकेला गंदा हूँ। मैंने मुंह तक नहीं धोया, मतलब उसके वो सारे वॉशरूम जो थे वो पब्लिक वॉशरूम, सही नहीं कह सकते, हाँ बहुत इमरजेंसी वाले वॉशरूम से, तो वो कोई मुँह शू भी नहीं धोया। वैसे ही सारा सफ़र आज गुजरा, मज़ेदार सफ़र था। राइड इंतहा से ज़्यादा मज़ेदार थी थ्रू आउट हमारे, तकरीबन टोटल लाहौर से निकलने के बाद गवादर, बीच में गोरेखेल, उसके बाद सक्कर और कराची, और अब बैक टू कराची। हमारे टोटल डिस्टेंस बने 3,060-70 किलोमीटर्स, और कमाल की राइड। ये होता है असल ट्रिप, ऐसे ही भाई मज़ा आया। 3,060 से चस आ गई, अभी हमने लाहौर जाना है।
कमाल का ट्रिप रहा है यार, खूबसूरत ट्रिप और ऐसी ऐसी सीनरी देखी है मज़ेदार। अभी एंड नहीं हुआ अभी चल रहा है, तो बस अभी फ़िलहाल तो हम लोग फ्रेश होके ज़रा बैठे हुए हैं यहाँ पे, खाना शाना खाएंगे उसके बाद सोएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी करें भाई को दुआ में याद रखना है, इंस्टाग्राम पर फॉलो मस्त है। अल्लाह हाफिज़। उस्ताद हेलो, आइए रेस लाइए, चल चल रेस लाइए।